लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षर, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आई नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार आरती दयाल की एक बार फिर हुई तबीयत खराब, पूछताछ के लिए भोपाल ले जा रही थी पुलिस की टीम, आईसीयू में किया भर्ती। केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना को शुरू हुए आज एक साल हुआ पूरा, हजारों हितग्राहियों को मिला इसका लाभ, इस मौके पर सभी हितग्राहियों को किया सम्मानित। खलनायक गाने पर डांस करते हुए विधायक आकाश विजयवर्गीय का वीडियो हुआ था वायरल, इसी को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को दी नसीहत, कहा अच्छे कामों को नहीं दिखाया गया। हनी ट्रैप मामले में सोमवार को भोपाल ले जाने से पहले आरोपी आरती दयाल की एक बार फिर से तबीयत खराब हो गई, पुलिस कमरे से उसे बाहर लाई और गाड़ी में लिटाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। इंदौर पुलिस आगे की पड़ताल के लिए सोमवार को मोनिका यादव और आरती को भोपाल लेकर रवाना होने वाली थी, पुलिस भोपाल के अलावा इन्हें लेकर छतरपुर और राजगढ़ भी ले जा सकती है। इंदौर एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने बताया कि आरती और मोनिका को 27 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है, भोपाल राजगढ़ और छतरपुर आदि जगहों पर पुलिस को जांच करनी है। पुलिस टीम इन्हें लेकर भोपाल जा रही थी, इंदौर के होटलों में अब तक वर्क किया जा चुका है, यहां के दो होटलों से कुछ जानकारी मिली है जहां फेक आईडी से जुड़ी जानकारी मिली है। इसके पहले रविवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरती और मोनिका रोने लगी, पेशी के बाद थाने पहुंचते ही दोनों की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें एम्बा अस्पताल ले जाया गया। डिहाइड्रेशन की शिकायत के चलते दोनों को उपचार देकर रात को ही वापस महिला थाने भेज दिया गया था। वहीं एम्बा अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि कल इन्हें यहां लाया गया था और इनकी सभी जांचें कराने के बाद जांचें सामान्य पाई जाने पर इन्हें डिस्चार्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। उनकी सब जांचें करा ली थी, सब कुछ सामान पाए जाने पर उनको कल जो दवाई वगैरह देकर उनको डिस्चार्ज कर दिया था, आज अभी लेके आए हैं तो उनकी सभी जाँचें की जाएंगी और जाँच करने के बाद ये तय होगा कि उनको भर्ती करना है कि नहीं करना है। अभी चूंकि सब जांचें हो जाए इसके बाद ही मैं एक स्पष्ट वो अभिमत दे पाऊंगा और क्या होना है उसमें, हमारे डॉक्टर जांच कर रहे हैं और जैसे ही हो जाएंगे हम आपको तो उसके बारे में सूचित करेंगे। सर, कल आरती ने गर्भवती होना भी बताया था, कोई यहाँ हमेशा कुछ भी नहीं आया था। नहीं देखिए क्या है कि ये इन सब चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैंने बोला कि दोनों सामान्य थे, स्वस्थ थे, इसलिए उनको वापस भेज दिया था। अब आज किस वजह से आई हैं वो पूरी जांचें होने के बाद ही उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। सर, कल ये जब आए थे हॉस्पिटल राजीव, क्या परेशानियां बता रहे हैं, इनका क्या कहना है? नहीं नहीं देखिए क्या होता है कि उनका जो कोई भी अपनी दिक्कत बताता है तो उसकी हमें समझ जांचें कराना और उनका इलाज कराना वो हमारा दायित्व है, तो कल पूरी जांचें कराई गई थी, उसके बाद उनको ऐसा कुछ भी वो नहीं पाया गया था जिसमें उनको भर्ती किया जाए, तो उसके बाद उनको दवाई देकर उनको डिस्चार्ज कर दिया था। आज भी हम देखते हैं कि अभी क्या है, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो उनको भर्ती करने लायक होगी तभी भर्ती करेंगे, अन्यथा अगर जो भी उनका आवश्यक ट्रीटमेंट है वो करके उनको हम डिस्चार्ज करेंगे। जो क्या है वो पूरी जानकारी है, पूरी जांचों के बाद ही पता चल पाएगा। डॉक्टर टीम जा रही है, ये इन लोगों को पीआर पे लिया गया है और उसमें भोपाल और राजगढ़ छतरपुर ये सब जगहों पे कुछ इन्वेस्टिगेशन के जो लीड है उस पर वर्क करना है, तो उसी के पहले थोड़ा सा उनसे हमारे पूछताछ किया। अभी कहीं टीम और कहीं रवाना होगी? टीम को भोपाल जाना है। इंदौर का कुछ और होटल्स में जान में किस तरीके से? अभी तो फिलहाल इंदौर के और होटल्स में तो नहीं जाना है, बाकी दो होटल से कुछ जानकारी मिली है, कुछ इनके फेक आईडीज वहां जमा किए गए हैं, उसके बेसिस पे उसमें केस में आगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना आयुष्मान भारत में मध्य प्रदेश सरकार ने भी बराबर से हाथ बढ़ाकर देश के साथ साथ प्रदेश के और साथ ही प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को भी फायदा पहुंचाया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना जिसको शुरू किए आज एक साल पूरा हो गया है और हजारों हितग्राहियों को इसका लाभ भी दिया गया है। इस मौके पर योजना के एक साल पूरे होने की खुशी जाहिर की और साथ ही योजना से लाभान्वित हुए हितग्राहियों का सम्मान भी किया। हालांकि कार्यक्रम में राजनीति बढ़ चढ़ कर नजर आई, वहीं भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ देश के नारे के साथ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत तकरीबन एक साल पहले की थी और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने स्वास्थ्य महकमे को भी इस योजना के साथ लगे रहने और बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद करने का बीड़ा उठाया था।
नतीजा योजना के शुरू होने के एक साल में 13,250 मरीजों को इसका लाभ मिला है। बीमारियों की बात की जाए तो कुल्हे का प्रत्यारोपण, दुर्घटना में घायल, आर्थो से संबंधित मरीज, नियरों के मरीज, आंखों की बीमारी से जूझ रहे सैकड़ों मरीज और साथ ही गर्भवती महिलाओं को इसका अच्छा प्रतिसाद मिला हो। हजारों की संख्या में हितग्राहियों ने इसका लाभ लिया। इस योजना से लाभ होने वाले मरीजों को इंदौर केबीसी सिटी अस्पताल बुलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और क्षेत्र के विधायक आकाश विजयवर्गीय थे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में खलनायक गाने पर डांस करते हुए भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुटकी ली थी। इसके बाद विधायक आकाश ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि ये मीडिया वालों के लिए ये सोचने का विषय है कि इस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए या नहीं। इसी के साथ विधायक आकाश ने ये भी कहा कि जो अच्छे कार्य किए 10,000 बच्चों के लिए किया गया, लेकिन यह नहीं दिखाया। फिर रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। देखिए, बच्चों की हमने बहुत अच्छी पार्टी रखी थी। 10,000 बच्चे आए थे, जिसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमारे आह्वान पर 10,000 बच्चे आए थे और उन्हें लगभग 60,000 नोटबुक्स वितरण हमने की थी और एक बहुत ही सुंदर आयोजन रखा था। बच्चों के बहुत सारे खेल खिलौने, खाने पीने का सामान था और उस पार्टी में बच्चों का चेहरा देखकर हमें बहुत आनंद आ रहा था। खूब हम लोग इंजॉय कर रहे थे उस पार्टी को, बच्चों के साथ हम लोगों ने डांस किया और फिर बाद में जब पार्टी ख़त्म हो गई तो जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे उनके साथ भी हम लोग डांस कर रहे थे। अब वो गाना चल गया। अब आजकल के मीडिया ऐसा ही हो गया है कि हमने पूरे बर्थडे में 12 सितंबर को मेरा बर्थडे था और 17 को मोदी जी का था, 12 से लेकर 17 तक करीब 10 वृद्धाश्रम में खाना पीना कराया, उनको जो सामग्री की आवश्यकता रहती है वो बांटी, गौशाला में सैकड़ों गायों को हमने सेवा की, बच्चों को, हज़ारों बच्चों को, 10,000 बच्चों को खेल खिलौने का आनंद दिलाया, भोजन कराया, नोटबुक बांटी 60,000 नोटबुक्स, और ये सब तो किसी ने दिखाया नहीं और 2 मिनट, एक आध मिनट का क्लिप था शायद से, वो सबने चला दिया। तो ये दुर्भाग्य है, तो मुझसे ज़्यादा मीडिया के लिए मंथन का विषय। आपके साथ हमेशा हो रहा है क्या? चलता है, हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ये सब प्रॉज एंड कॉन्स हैं, हमें मतलब इसकी हम चिंता नहीं करते हैं। अपना काम जो है वो हमें पता है और पूरा प्रयास करते हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से। बड़वा स्थित गांव बावरीखेड़ा और कटघटा पहुंचे कृषि मंत्री सचिन यादव ने खेतों में पहुंचकर कपास की फसलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी भी ली। किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री यादव को फसलों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। मंत्री ने बताया कि सीएम कमलनाथ ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि एक संयुक्त दल का गठन किया जाए, जिसमें राजस्व, कृषि और पंचायत के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, जो किसानों के बीच जाकर उनकी खराब फसलों का आकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन में करीब 24 लाख हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई है, इससे 10,000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। इसको देखते हुए 11,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की गई है। गांव खोड़ी में कुओं और खेतों से निकल रहे लाल पानी को लेकर मंत्री यादव ने कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर जो भी किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सनावत से दिलीप सिंह पवार की रिपोर्ट। देखिए, विगत दिनों में अतिवर्षा के कारण हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे किसान साथियों की फसलें प्रभावित होने की सूचना लगातार हमको प्राप्त हो रही है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी स्थिति पर लगातार जो है नज़र लगाए हुए हैं और समय समय पर जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हमारे जमीनी अधिकारियों कर्मचारियों को भी दिए जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे कलेक्टर्स हैं सभी कलेक्टर्स को ये निर्देशित किया है कि एक संयुक्त दल का गठन किया जाए, जिसमें हमारे कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के, हमारे पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल रहेंगे, जो किसानों के बीच में जा कर के उनकी नुकसानी का आकलन करने का काम जो है वो लोग करेंगे। अभी जो प्रारंभिक जो आंकड़े हमारे पास में जो प्राप्त हुए हैं उन
उसमें लगभग 24 लाख हेक्टेयर जो है हमारे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फसल नुकसानी का आकलन हमारे पास में अभी प्रारंभिक हमारे पास में आया है। इसके अलावा जान माल की नुकसानी भी विभिन्न जिलों से हमको प्राप्त हुई है। सब मिलाकर के लगभग 11,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की मांग जो है हमने केंद्र सरकार से करी है और हमें उम्मीद है कि इस संकट की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में जो केंद्र सरकार हमारी मांग को मानेगी और जो सहायता राशि हमने मांगी है वो हमको कराएगी ताकि हम हमारे किसान साथियों को और हमारे जो प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको हम मदद कर सकें, उनको राहत दे सकें और उनको इस संकट की घड़ी में जो उनको बहाने। खुरई में लोगों को संबोधित करते हुए अचानक पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित कई नेता जमीन पर आ गिरे। खुरई में भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। इस अवसर पर मंच पर ज्यादा संख्या में लोग चढ़ गए जिनका बोझ मंच नहीं सह पाया और टूट गया। कई छुटभये नेता तो फोटो खिंचवाने के चक्कर में मंच पर जा पहुंचे थे। बताया जाता है कि इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह, भाजपा नेता विजय जैन, बट्टी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यदि लोगों की माने तो इस मंच टूटने की घटना में कई लोग घायल हो गए। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।